उनकी और आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। उस जमाने में वे फतेहपुर में थे, रात को अक्सर देर से सोते, बदन उनका दुखता रहता, खास खास जो सत्संगी भाई थे उनसे ही बदन छुआते थे, सबसे नहीं, ऐसे लोग हाथ पैर दबाते, सिर बहुत गर्म रहता, हल्के हल्के हाथों से उंगलियों से सिर पे तेल लगाते, बहुत मुलायम हाथों से, रात को 2 बजे सोते, सुबह 5 या 6 बजे उठ जाते, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे सोते। एक बार क्या हुआ कि रात में बैठे हुए थे, ध्यान में मस्त थे, 1 या 2 बजे रात का समय रहा होगा, बाबू शिव प्रताप नारायण एडवोकेट, बहुत ही डिवोटेड श्रद्धालु भक्त, सच्ची सेवा करने वाले, वे भी वहां बैठे हुए थे। बैठे बैठे आपका शरीर एक तरफ लग गया, उठाया, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर ने कहा कि हार्ट फेल हो गया, इनमें दिल की धड़कन नहीं। माता जी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गलत है, आपकी आज्ञा से अंगीठी जलाई गई, हाथ पैरों की तेजी से गर्म करना शुरू किया। माता जी ने कहा जितने हमारे बुजुर्ग हुए आज तक वे सब कह कर गए हैं कि कैसे हो सकता है कि बिना कहे चले जाएं, कम से कम कुछ तो इशारा करते जाने का, कोई इशारा नहीं किया, हमें विश्वास है कि अभी यहीं पर ही हैं, गए नहीं, सिकाई की गई, और थोड़ी देर बाद हृदय की धड़कन शुरू हो गई। सुबह जब डॉक्टर को पता चला कि वह तो जिंदा हो गए, बड़ी शर्म करते हुए आए, जानते थे सूफी है, बड़ी हलचल शहर में मच गई, लोग मालाएं लेकर और फूल लेकर आने लगे। उसके बाद उनको लो ब्लड प्रेशर हो गया तो फौरन आपने डिपार्टमेंट में दरखास्त दी कि उनका ट्रांसफर यहां से फौरन कर दिया जाए। इस अर्जी पर उनका ट्रांसफर वहां से कर दिया गया। जब सारा सामान ट्रक पर बैठ गया, रखा गया, तब घर से बाहर निकले। इतना ख्याति से अपने आप को बचाते थे, किसी किस्म की ख्याति नहीं चाहते थे, इतना आपको छिपाते रहे। एक बार जबलपुर पधारे, उस जमाने में शौक लगा कि गीता पढ़ लूं, और गोरखपुर से गीता की प्रति मंगवाई और पढ़ना शुरू करने वाले ही थे कि महाराज पधार गए, श्री बिजमोहन लाल जी महाराज। वह पुस्तक तखत पर रखी हुई थी, आपने देख लिया, और परम पूज भाई साहब जी से ये कहा कि किताब किसकी है, क्या आप पढ़ते हैं, आपने कहा अभी पढ़ी तो नहीं, पढ़ने का इरादा जरूर है। उन्होंने कहा अरे मियां इन किताबों में क्या रखा है, अभी तो एक किताब क्या पढ़ोगे, ये तो तुम्हारी समझ में आएगा नहीं, इसकी असलियत अभी समझ में नहीं आएगी, अपना समय बर्बाद करोगे। समय बर्बाद मत करो, पहले जिंदा किताब पढ़ लो, ये किताबें जब फिर वक्त आएगा तो पढ़ना। आपने वो किताब हाथ से ली और बंद करके रख दी। जब दोबारा जबलपुर आए तो अपने साथ एक किताब लेते आए, और उस किताब का हेडिंग था गीता और कुरान। उसमें यही कंपैरिजन था कि गीता और कुरान में कोई अंतर नहीं, एक ही है। उसके बाद इशारा किया, बहुत सुंदर, कि भाई जो संत हैं वह इन सब के ऊपर है, सांप्रदायिकता से ऊपर रहते हैं, वे एक ही रिश्ता जानते हैं आत्मा परमात्मा का, दूसरा रिश्ता नहीं जानते। फिर कहा कि हाँ अब किताब पढ़ो,
किताब पढ़ा करो फायदा होगा। उसी वक्त इशारा किया कि अगर अष्टावक्र गीता अगर मिले तो जरूर लिखना। उसी वक्त इशारा किया वही ज्ञान है जो हमारे पास है, ये भी इशारा किया। और जो सत्संगी भाई आते थे उनसे ये बात कही कि आप बैठा करो श्री यशपाल जी के पास बैठा करो। एक वयोवृद्ध सज्जन के मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि इनके पास क्या बैठें, ये तो बच्चे हैं, अगर आप होते तो आपके पास जरूर बैठा करते। उनके हृदय की बात समझते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं, आप इन्हें बच्चा न समझें। हाँ, इस बेचारे को अपनी कुछ खबर नहीं, छिपे छिपे इसे क्या मिला है इसे खबर नहीं। और फिर ये फरमाया कि इंशा अल्लाह इसका पल्ला, इसके पल्ले से जो भिड़ जाएगा तर जाएगा, और जो इसके संपर्क में आ जाएगा वह संत परम संत औलिया बन जाएगा। खुल्लम खुल्ला ये बात सब सत्संगी भाइयों की मत कही। जबलपुर से लखनऊ वापस आए और वहाँ से आप दिल्ली गए, दिल्ली से बम्बई अकेले आए। वो अकेले कभी नहीं जाते थे, हमेशा माता जी साथ जाती थी। इतना लंबा सफ़र उन्होंने अकेले ही किया। दिल्ली से बम्बई गए, बम्बई में मैरन ड्राइव सेठ बालकृष्ण जी के यहाँ जाकर ठहरे। पहले आपका इरादा किसी दूसरी जगह ठहरने का था, वहाँ सत्संग होता था। बम्बई में दो चार भाई आया करते थे, उन्हें चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ ठहरूँगा, लेकिन सेठ बालकृष्ण जी की चिट्ठी आई कि महाराज हमारे यहाँ ठहर जाए, बड़ी कृपा होगी। उन्होंने कहा कि भाई अगर मित्तल साहब एग्री कर जाएं तो ठीक है। मित्तल साहब मान गए, सोचा मैरिन ड्राइव अच्छी जगह है, वहाँ अगर ठहरेंगे तो आराम मिलेगा और लोगों का फायदा होगा। सेठ बालकृष्ण जी यहाँ ठहरे, कुछ थोड़ा सा दर्द उनकी कमर में था, सिकाई कराई गई, हल्का सा भोजन किया, समुद्र को बड़े गौर से देखा, दूर तक मैरिन ड्राइव से समुद्री समुद्र नजर आता है, उसकी वास्टनेस को गौर से देखा। उसके बाद शाम का सत्संग समाप्त शुरू हुआ, सत्संगी भाई लोग पधारे। वह सत्संग बड़ा विशेष सत्संग था। इस सत्संग में उन्होंने भगवान राम की कथा छेड़ी, वह प्रसंग लिया कि रावण मृत्यु शैया पर पड़ा है, उसके हृदय में बहुत भारी पश्चाताप है, पश्चाताप हो रहा है कि तूने बहुत बुरा किया, भगवान राम से दुश्मनी की, अपना सारा कुल नष्ट हो गया इत्यादि। भगवान राम ने उसी वक्त लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि जाओ, रावण बड़ा राजनीतिज्ञ है, उससे राजनीति से कराओ। लक्ष्मण जी सोचने लगे कि इनसे बड़ा राजनीति कौन कर सकता है, अब मुझे वो क्या शिक्षा देगा, मैं तो इनकी शक्ति का एक स्वरूप हूँ, मुझे झुका रहे हैं, लेकिन यही जाने इनका राज, आज्ञा तो आज्ञा है। चले और आगे जाकर चरणों में खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो रावण देखकर बड़ा हर्षित हुआ, ओहो मैंने सच्चे हृदय से याद किया था, और उन्होंने अपनी शक्ति को झुका दिया, राजनीति तो वो क्या कर पाया। आंसू झलक गए, गदगद हो गया, और गदगद होकर प्रभु की याद उन्होंने शरीर छोड़ दिया और परम पद को प्राप्त किया। इसके बाद कहने लगे देखो आजकल का जो जमाना है बड़ा कमजोर जमाना है, कलयुग का सतयुग था, हमारे अंदर शक्ति थी, बड़ी सुविधाएं थी, हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे, द्वापर आया, तपस्या का समय घट गया, तीर्था में और छोटा हो गया, अब तो कलयुग है, अब तो तपस्या बनती नहीं, कोई साधन उपलब्ध नहीं,
न शक्ति है, न ब्रह्मचर्य है, न समय है, किसी के पास कुछ भी उपलब्ध नहीं। क्या है ये कह रहे कि देखो भाई, जो परमात्मा है वह हमारी सबसे बड़ी माँ है, हम उसके अंश हैं, हमारा रियल मदर उसके अंश। तो माँ को अंश से बड़ा प्यार होता है। अब दुनियावी तरीके से समझाते हैं कि एक माँ है, उसके चार पुत्र हैं, एक ICS डिप्टी कलेक्टर है, माँ उसकी तरफ से हमेशा बेफिक्र रहती है कि वह तो मजे में है, आनंद कर रहा है। दूसरा PCS है, ये भी मौज कर रहा है, कोठी में रहता है, मजा करता है, उसकी तरफ से ही माँ बेफिक्र है। तीसरा अकाउंट ऑफिसर है, चलो भाई ये भी खाता पीता है, घर मिला हुआ है, आराम से है, उसकी तरफ से भी माँ बेफिक्र है। चौथा पुत्र उसका जो है वह रोगी है, उसकी देखभाल माँ स्वयं करती है और काम करती है तो भी उसकी निगाह बीमार पुत्र की तरफ ही रहती है। और जहां बच्चे ने चीखी माँ भागी, सब काम छोड़कर उसे गोदी में उठा लिया। तो भाई हम तो कलयुगी रुगड़ बच्चे हैं, जरा सी चीख करें तो भगवान दौड़कर अपनी गोद में उठा लेगा। आजकल सबसे अच्छा तरीका परमात्मा को पाने का यही है, पश्चाताप करो अपने दुष्कर्मों पर, परमात्मा के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, वे आपकी आत्मा को ऊंचा उठा देगा, बराबर वे आपकी आत्मा को ऊंचा उठाता चला जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है परमात्मा को पाने का। उसके बाद अब जलाल में आकर कहने लगे कि क्या परमात्मा इसे नहीं करेगा। ऐसा कहने के बाद बड़ा भारी जलाल हुआ, रोशनी पैदा हुई और एक बीम ऑफ लाइट उनके शरीर से निकलती देखी। उसके बाद आपका शरीर एक तरफ को लग गया, आपको दूसरे कमरे में लेकर लिटा दिया गया। लोग बड़े चिंतित हुए, बड़ी भारी दौड़ हुई, आप होश में आकर कहने लगे कि हमें छोड़ें, हम जानते हैं, आप हमें ग्लूकोज और नींबू दे दो, सब बाहर आ जाइए। ग्लूकोज और नींबू दे दिया गया, लिया, सबको बाहर कर दिया और उसी समय आपने समाधि ले ली। डॉक्टर बुलाया गया, हार्ट फेल बताया, और जब ये फिर चिंतित हुए, टेलीफोन करने शुरू किए, बड़ी प्रार्थना की कि वापस आ जाए। इसी बीच अरविंद आश्रम के दो सन्यासी पधारे, आकर आपने देखा शरीर के पास ध्यान में बैठ गए, अपूर्ण समाधि मंत्र बोलकर चले गए। अब इस बात की कोशिश मत करो कि वापस आए, उन्होंने वो गति पाई है जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है। अब आप इनके शरीर का इंतजाम करो। अब उन ये सलाह की गई कि इनका दाह संस्कार लखनऊ में किया जाए। काफिर उनका बंबई से लखनऊ लाया गया और जब उनका शरीर दाह संस्कार के लिए बाहर निकाला तो उनके शरीर के साथ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। एक अजीब नजारा था। जब शव शमशान भूमि पर पहुंचा तो पहले मुस्लिम भाइयों ने अपनी असम रजा की, जो उनका तरीका था, उसी तरीके से किया गया और कहा कि हमारे यहाँ दफनाते हैं और आपके यहाँ जलाते हैं, लेकिन का जहाँ तक ताल्लुक है, जितना आपका है उतना हमारा भी। इसके बाद फ्रेंच लेडी ने कहा, जो इनके साथ आई थी, कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ, सबने सुना। उसने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले
इन महात्मा जी से मिली थी और इनसे बड़ी प्रभावित हुई थी। जब मैं जाने लगी तो मैंने इनसे पूछा अब मैं दोबारा कब मिलूंगी। इन्होंने इशारा किया कि यू विल कम ऑन माय बरियल। मैंने कानपुर में भीड़ देखकर जब पूछा तो पता लगा कि ये वही संत हैं जिनसे 10 साल पहले मिली थी। इसके साथ राम के साथ के राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जाना धारा की ध्वनि के साथ आपका दाह संस्कार हुआ। अगले रोज लखनऊ के जितनी हिंदी और अंग्रेजी के न्यूज़पेपर थे सब में एक ही हेडिंग था आधुनिक कबीर। तब लोगों को एक ख्याल हुआ कि लाला जी महाराज ने जो कहा था वह सच था कि कायदा कुलिया नहीं कि हमेशा कमज़ोर संतान से कमज़ोर माँ बाप से कमज़ोर संतान पैदा होती रहे। ऐसा शेर पैदा हो सकता है अगर परमात्मा चाहे जो आज से 500 साल पहले हुआ हो। इतनी प्यारी हस्ती थी जितनी हिंदुओं में थी उतनी मुसलमानों में थी। लखनऊ के बड़े बड़े मौलवी एवं सूतिया सूफी आते थे। ऐसी सुंदर हस्ती लाला जी महाराज की वाणी सच निकली और आज हम उनके फैज से फैजाब हो रहे हैं। जो उनका लगाया हुआ पौधा था आज बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, अच्छे अच्छे साधक आ रहे हैं, बड़े अच्छे अच्छे अपना जो सत्संग है सब आंतरिक है, दिखावे का नहीं। जहां भी सत्संग होता है बड़ा आनंद आता है, अंदरूनी है, शांति मिलती है, चित एकाग्र होता है, आनंद मिलता है। भारत में जहाँ जहाँ अपने सेंटर हैं सब जगह इसकी अनुभूति होती है। ये सब उनकी बड़ी कृपा है जो हमें आज नज़ारा देख रहे हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके पद चिन्हों पर चलते रहें, लकीर के फकीर बने रहें, एकदम इधर उधर ना जाएं। यही परमात्मा से हमारी प्रार्थना है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।